बिहार में एक और लोक सेवक के ठिकानों पर निगरानी विभाग ने गुरुवार को बड़ी छापेमारी शुरू कर दी है। ये कार्रवाई किसी छोटे अफसर के घर नहीं बल्कि बिहार के तिरहुत रेंज के एआईजी के घर शुरू हुई है। निगरानी विभाग की तीन टीमों ने एक साथ एआईजी के तीनों ठिकानों पर छापा मारा है। बता दें आपको, बिहार में विशेष निगरानी इकाई ने एक और भ्रष्ट अफसर के ठिकानों पर छापेमारी सुबह से शुरू कर दी है। विशेष निगरानी इकाई की टीम ने एआईजी प्रशांत कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज कर लिया है। इसके बाद सुबह से ही एसबीयू यानी स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम की ओर से उनके घर समेत तीनों ठिकाने पर तलाशी शुरू कर दी गई है। ये छापेमारी पटना, मुजफ्फरपुर और सिवान में प्रशांत कुमार जो एआईजी हैं उनके ठिकानों पर चल रही है। विशेष निगरानी इकाई ने एआईजी प्रशांत कुमार पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है। बता दें आपको, गुरुवार की सुबह विशेष निगरानी इकाई की कार्रवाई पटना से सिवान मुजफ्फरपुर तक जैसे ही शुरू हुआ हड़कंप मच गया। इस दौरान पटना के बोरिंग कनाल रोड में पंचमुखी मंदिर अलाकराज अपार्टमेंट, मुजफ्फरपुर सदर आवास और सिवान में प्रशांत कुमार के पैतृक आवास पर निगरानी विभाग ने छापा मारा है। प्रशांत कुमार वर्तमान में तिरहुत के सहायक महानिरीक्षक है। इस छापेमारी के बाद अधिकारियों ने सभी ठिकानों की तलाशी शुरू कर दी है। अभी तक ये जानकारी पूरी रूप से निकल कर नहीं आई है कि क्या कुछ बरामद हुआ है। हालांकि अवैध कमाई का उन पर आरोप लगा है। रजिस्ट्रार एआईजी प्रशांत कुमार अभी तिरहुत प्रमंडल के मुजफ्फरपुर में तैनात है। उनके खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है स्पेशल विजिलेंस यूनिट के द्वारा आय से अधिक संपत्ति के मामले में। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से छापेमारी की जा रही है। इसी के बाद निगरानी विभाग ने केस दर्ज भी कर लिया है और तीन टीमें लगातार छापेमारी करने में जुटी है। पटना, मुजफ्फरपुर और सिवान में धावा बोला गया है। प्रशांत कुमार पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। उन पर आय से अधिक संपत्ति बनाने का आरोप लगा है। साथ ही साथ कई बंदोबस्ती जो जमीन है उस पर हड़पने का भी आरोप लगा है। उनके पिता के नाम कई जमीनों को दिखाया गया है, जिसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। हालांकि घर से काफी मात्रा में सिवान से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आभूषण बरामद किए गए हैं और लगातार एसयूबी की टीम जो है लगातार कार्रवाई कर रही है। यानी कि बिहार में सुबह सुबह एक और भ्रष्ट अधिकारियों के घर छापेमारी शुरू हो गई है। निगरानी विभाग का दस्ता पटना, मुजफ्फरपुर और सिवान में एक साथ तीनों ठिकाने पर सुबह से छापेमारी करने में जुटी है। और अब तक जो तस्वीरें सामने आ रही है ये बता रही है कि किस तरीके से बिहार में लोक सेवक के जो बड़े अधिकारी हैं वो काली कमाई से रंगे हुए हैं। अब देखना होगा कि देर शाम तक ये छापेमारी चलती है, क्या कुछ बरामद होता है, क्या कुछ बड़ा खुलासा होता है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है ये बता रही है कि बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों का बोलबाला है और उसके खिलाफ निगरानी विभाग ने एक बार फिर मोर्चा संभाल लिया है। आप बने रहे द बिहार टॉक के साथ। धन्यवाद।